महेंद्रगढ़ में आज सुबह बच्चों से भरी एक प्राइवेट स्कूल की बस पलट गई। हादसे में 6 बच्चों की मौत की सूचना है, जबकि 15 बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। महेंद्रगढ़ के कस्बा कनीना में स्थित JLPS स्कूल की बस गुरुवार सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। गांव उन्हानी के पास स्कूल बस ओवरटेक करते हुए अचानक पलट गई। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ और चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। कई बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। आज ईद पर सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टियां हैं। उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल ने छुट्टी नहीं की। बस में 35 से 40 बच्चे सवार थे। जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि ये काफी दुखद घटना है। प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। मृतक बच्चों के परिजनों की हर संभव सहायता की जाएगी और जो बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटे। जिन लोगों की इस हादसे के पीछे लापरवाही है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस पर कार्य कर रही है। दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और स्कूल प्रशासन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज ईद की सरकारी छुट्टी थी, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल चलाया जा रहा था। इसके लिए भी प्रशासन ने इसकी मान्यता रद्द करने के लिए प्रपोजल उच्च अधिकारियों को सरकार को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक 6 बच्चों की हादसे में मृत्यु हुई है और मैं उनके परिवार के साथ खड़ी हूँ। देखिए, काफ़ी दुखद हादसा है जो हमारे ज़िले में हुआ है। बहुत दुख है हमें, लेकिन प्रशासन पूरा मुस्तैद है। परिवारों को जो मदद चाहिए, 6 कैजुअल्टीज अब तक है हमारी। बाकी बच्चे इलाज हो रहा है, बेहतर से बेहतर इलाज हम करा रहे हैं, वो भी हमारी निगरानी में हो रहा है। और किसी को ऐसा कोई खतरा जानता भी नहीं है। हमारा पूरी प्रयास है कि बाकी बच्चे जो है वो स्वस्थ हो जाए जल्द से जल्द और इनका इलाज हम करा रहे हैं। और जिन लोगों ने ऐसा इसके पीछे है, पुलिस पूरी मुस्तैद है, कार्यवाही की जा रही है। स्कूल प्रशासन पे भी होगी, ड्राइवर पे भी होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बस का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी खत्म हो चुका था और उसके बाद बस चल रही थी जी। देखिए, सारा इंक्वायरी का मैटर है। जो भी बातें हैं, वेदर ड्राइवर उसने ड्रंक था, जो भी बातें हैं, सारी FIR का हिस्सा बन रही है और उस पर कानूनी कार्यवाही बिल्कुल एज पर नहीं की जाए। जी मैडम, एक बात ये बताई कि आज जो ईद उल फितर की छुट्टी थी, सबसे बड़ा त्यौहार था और वो उस पर छुट्टी थी, उसको लेकर भी स्कूल लग रहे हैं जी। ये आज ईद की छुट्टी थी सरकारी, लेकिन ये स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल था और ये रन कर रहा था। इसके लिए DO साहब ने इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी सरकार के पास प्रपोजल भेज दिया। क्या जो मौत का आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है बच्चों की, और बाकी स्थिति क्या है? बाकी बच्चे अभी आउट ऑफ डेंजर है, हमें नहीं लगता कि आंकड़ा बढ़ेगा, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तक की क्या जानकारी है, कितने बच्चे इसमें डेड हुए? देखिए, अभी तक 6 कैजुअल्टीज हुई हैं इसके अंदर। उनके परिवारों के साथ ही आज मैं यहाँ हूँ, अभी उपस्थित उनके बीच में हम प्रशासन के साथ। ये DC मैडम, सर क्या पूरा आज हादसा हुआ है और कितने बच्चों के अभी तक मौत होने की सूचना है सर? देखिए, इतना ये मिली थी कि GL पब्लिक स्कूल का जो ड्राइवर है उसने तेज गाड़ी से चला के गाड़ी को पलट दिया है, जिसमें काफ़ी बच्चे को चोटें आई हैं और जिसमें पब्लिक ने और पुलिस ने मौके पर पहुँच कर बच्चों को वहाँ से निकाल लिया था। टाइमली सबको हॉस्पिटल हमने भिजवा दिया था। तो इसमें कुछ बच्चों को इंजर्ड हुए हैं और तकरीब 6 डेड है सर। नशे में बताया जा रहा है ड्राइवर, उसका हम मेडिकल अभी करवा रहे हैं। उसमें उसका जैसे रिपोर्ट डॉक्टर की आएगी फिर ही पता चलेगा। सर ग्रामीणों द्वारा अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं और उसका मेडिकल करवा। सर ग्रामीणों द्वारा जाम भी लगाया गया? नहीं, कोई ऐसी जाम वगैरह कोई क्वेश्चन ऐसी है नहीं है। सर कितने बच्चे घायल है पूरे मामले में? इसमें करीब इन्फॉर्मेशन 15 के करीब बच्चों की इन्फॉर्मेशन मिली है। सर प्राइवेट स्कूलों के जो सरकारी छुट्टी भी थी क्वालिफाई नहीं है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पूरा अनुसंधान किया जाएगा, किसकी लापरवाही है, मालिक की लापरवाही है वो भी देखेंगे, और इसमें जो अन्य स्टाफ नियमित करना होता वो था कि नहीं था वो भी हम देखेंगे। सर किसी को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है, किस तरह से बस पलटी है? नहीं नहीं, अभी तक यही प्राइमरी फेस से पता लगा कि ड्राइवर ने तेज स्पीड में गाड़ी। सर जैसे कि मामला दर्ज किया गया है, मुकदमा हमने दर्ज कर। सर जैसे कि आज सरकारी छुट्टी है फिर भी स्कूल लगाए जाए, जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा सर इस पर? इसमें अपने सिविल डिपार्टमेंट में SDM साहब हैं, वो भी इसको देख रहे हैं, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ है वो भी हमारे यहाँ साथ ही है, वो भी इसमें अपनी इंक्वायरी करेंगे। थैंक यू। सर ये हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई, तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इस बस, या अनबैलेंस हुई या कैसे क्या हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, पर तो हम जब आए, जब ये एक्सीडेंट हुई, जब हम उठाए आए इसी तरह बच्चे की सर कोई गिनती नहीं, हमको कोई काउंटिंग नहीं करी। ठीक, कितनी बच्चे हैं इसमें, कुछ बच्चों के चोट भी लगी है,
बिल्कुल सीरियस जो है उनको हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। कौन से स्कूल की बस्ती है? ये जीएल पब्लिक स्कूल की। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, इस कारण अनबैलेंस होने से वो हादसा हो गया और काफ़ी बच्चे थे और उनमें कुछ आधार के डेथ भी हुई है और नुकसान हुआ। आप मौके पे मौजूद थे? हाँ, यहीं सभी थे। यूरो स्कूल की बचाव की वजह से काफ़ी बचाव हो गया, सभी ड्राइवर लोग यही देख रहे थे तो सब काफ़ी बाकी अभी सब ठीक बताया जा रहा है, बाकी मौके पर। आपने देखा बस कितनी स्पीड में थी? काफ़ी स्पीड में बस थी और कोई भी एकदम से पेड़ के टकराने से वो हो गया। पेड़ से टकराई है फिर? हाँ, इस साइड ये पेड़ से, फिर एकदम से काफ़ी वो नशे में था, इस कारण अनबैलेंस होकर एक्सीडेंट हुई है। कितने बच्चे की चोट लगी है? 20-25 बच्चों को चोट है। अब उनकी क्या पोजीशन है? हॉस्पिटल में पहुँचा दिए गए हैं बच्चे। अब डॉक्टर बताएंगे कि इनमें से कोई ज़्यादा चोट भी है कुछ है, बाकी कम 20-25 बच्चों के चोट लगी है। फिर कौन से बच्चे? कौन सी स्कूल? ये जीएल स्कूल है। बहुत से सर कोई तो नहीं हत भी हुई है? हताहत की अभी नहीं कह रहे हैं कि एक दो बच्चे से एक्सपायर हुए, बाकी ज़्यादा तो पता हो सकता है। लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में बस भरी हुई थी जितने भरी हुई थी के हिसाब से। तो ड्राइवर नींद में था या फिर देखो जी कोई सामने कुछ आ गए के बाद सूचना मिली है तो वहाँ मौके पर पहुँची है पुलिस। सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने आने लगते हैं जो पहुँच सकते जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करी, वो बता रहे हैं कि ड्राइवर ने कोई शराब वगैरह पी लिया। कार्रवाई